दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र खो गया है या आपको नहीं मिला है या आपने करेक्शन किया था अपने वोटर आईडी कार्ड को, करेक्शन हो गया है, सुधार हो गया है, लेकिन न्यू वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है या आपका खो गया। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे ऑनलाइन किस तरह अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी आपको बाय पोस्ट आपके घर पे वोटर आईडी कार्ड भेज दिया जाएगा। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से, क्योंकि इलेक्शन जैसा कि मालूम है बिहार में अभी बहुत करीब आ चुके हैं, तो इस स्थिति में आपको वोट देने के लिए आपके पास पहचान पत्र होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरह अपना पहचान पत्र मंगवा सकते हैं बाय पोस्ट अपने घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इस पे आएंगे, जैसे आप इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करिए, अगर आपका अकाउंट इस पे पहले से बना हुआ तो यूजर नेम पासवर्ड स्क्रिप्चर को देखकर लॉगिन करेंगे, नहीं बना हुआ तो इस पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट बनाएंगे। चलिए मेरा अकाउंट बना हुआ तो यहाँ यूजर नेम देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आपका लॉगिन हो जाएगा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखने को मिले, यहाँ पे आपको न्यू बना सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह यहाँ पे पूछेगा कि जिसका आप ये अकाउंट है उसी का आप मंगवाना चाहते हैं या किसी अदर का, तो अदर का या फैमिली को सिलेक्ट करेंगे, उसका ई पी के नंबर देंगे यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर देंगे जिसका आप मंगवाना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड बाय पोस्ट से। ई पी के नंबर देंगे, पहचान पत्र की नंबर जो होती है वो देंगे, उसका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी पहचान पत्र की पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा, आपकी नाम वगैरह, अगर ये आपका सारा से सही है इसी नाम को वगैरह आप पहचान पत्र मंगवाना चाहते हैं बाय पोस्ट आप यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे रीजन देंगे आप क्यों मंगवाना चाहते हैं, यहाँ पे लॉस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा आप किसके द्वारा लेना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कहाँ से लेना चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड को, किसी सीएससी सेंटर के द्वारा ले सकते हैं या बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे या अपने बीएलओ के द्वारा ले सकते हैं। चलिए बाय पोस्ट मंगवाने के लिए दो नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना स्थान लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक रहेगा और इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर ऑन NBSP। ठीक है, आपको यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी दे दिया जाएगा, इसको कॉपी करके रख सकते हैं। इसको ट्रैक भी यहाँ से कर सकते हैं, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर देंगे जो भी आपको मिला है, उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट हो जाए, उसके बाद एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने के बाद आपका ये जो ये कोरियर कर दिया जाएगा बाय पोस्ट के द्वारा। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड है आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट आ जाएगी। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की ढेर सारी जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीशान मॉनिटर, आपको ये लोगों वाला ये चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आपकी सुविधा के आपकी काम की हर एक वीडियो यहाँ पे उपलब्ध किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिना आधार सेंटर जाए ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को करेक्शन कर सकते, जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, भाषा, लिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत सारी नॉलेजफुल जानकारी इस चैनल पर लाता रहता हूँ, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार सपोर्ट देना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ।